जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, और हम फिर से हाजिर हैं। हमारा जो वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन का प्रोग्राम होता है, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ, गायनिकोलॉजिस्ट हूँ और विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। और मैं देवेन जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने जो यूट्यूब कमेंट सेक्शन से जो क्वेश्चन हैं उनको लेके विद गो हेड विथ योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 45 की एज में खुद के एक्स से बच्चे होने पर कितने परसेंट चांसेस है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कितने परसेंट चांस है कि बच्चे में प्रॉब्लम नहीं होगी? अब ये परसेंट बोलना तो मुश्किल है, बट डेफिनेटली एट द एज ऑफ 45 द चांसेस ऑफ गेटिंग डाउन सिंड्रोम मे बी इज टू हाई, मतलब 1 in 10, 1 in 15 हो सकता है, पर उसमें 15 में से एक अच्छा भी हो सकता है, 15 में से एक खराब होगा, 14 अच्छे हो सकते हैं। तो ये परसेंट देखना तो ठीक नहीं है, बट यदि प्रेगनेंसी होती है तो बहुत अच्छी बात है, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा खुद के एग से। और यदि आप प्रेग्नेंट होते हैं तो एक एम्नियोसेंटेसिस जरूर करा लें, क्योंकि चीज़ें देख लेना ज़्यादा बेहतर होगा। सर क्या ये पॉसिबल है कि एक बार HSG कराई, ट्यूब ब्लॉक थी, लैप्रोस्कोपी से ट्यूब ओपन हुई और वापस से HSG कराई, प्रेगनेंसी ना होने पर तो ट्यूब फिर से ब्लॉक हो गई? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि ये चीज़ें होती हैं जब आप HSG कराते हो, HSG के प्रेशर से कई बार यदि वो ट्यूब हम नहीं खुली, यदि ब्लॉक रहा, तो पेशेंट को जो पेन होता है उसके कारण ट्यूब बंद मिली और ट्यूब पेटेंट भी नहीं है। लेप्रोस्कोपी में मोस्टली हम एनेस्थीसिया में करते हैं और ट्यूब खुली मिल सकती है, फिर HSG कराएंगे तो फिर ट्यूब बंद मिल सकती है। बट यहाँ पर जो बेसिक प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम है कि यदि HSG में आपकी ट्यूब यहाँ पर ब्लॉक मिल रही है तो ये ट्यूब हेल्दी नहीं है। अब ये ट्यूब यदि लेप्रोस्कोपी में खुली भी मिल जाए तो खाली ट्यूब का खुले होने से काम नहीं होता। ट्यूब में 3 फंक्शन होते हैं, एक होता है स्पर्म को जाने देना और एग को आने देना और दोनों को मिलन होने के लिए अलाउ करना, दूसरा होता है इस भ्रूण को खाना देना, और तीसरा होता है इस भ्रूण को पुश करके बच्चेदानी के भीतर लाना जहां बढ़ता और पनपता है। इन 3 फंक्शन में यदि कोई एक फंक्शन खराब हो तो प्रेगनेंसी नहीं होती है, भले ही ट्यूब खुली हो, यदि उसमें जान नहीं है, उसमें खाना देने का जान नहीं है या उसमें मसल खराब है तो वो ट्यूब काम नहीं करती, उसमें IVF करा लेना चाहिए। सर IVF कराने के पहले कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो जरूरी होते हैं जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो? IVF कराने के पहले टेस्ट की एक प्रोटोकॉल होती है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जैसे बेसिक IVF करने के एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम देखते ही हैं इन्फेक्शन है कि नहीं वो देखते हैं, बट आजकल कुछ कपल ये भी डिमांड करते हैं जेनेटिक टेस्ट करने के लिए, कैरियर स्क्रीनिंग करने के लिए। तो जैसे यूरोप में 5 डिजीज का कैरियर स्क्रीनिंग होता है, आप वो भी करा सकते हैं, हम वो भी करते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि कपल को कितनी ज़रूरत है और कितना करना चाहिए। बट बेसिक यदि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो HPLC जरूर करा लें, बाकी जो रेगुलर टेस्ट होते हैं वो कराते हैं। सर जैसे हम बाहर से हैं तो आप एक ट्रीटमेंट का गाइडलाइन बता सकते हैं कि कितने दिन के लिए रुकना पड़ेगा या कैसे प्लान कर सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इसका एक टाइमलाइन होता है। वैसे ये देवेन जी आपको फोन करके लोग पूछते होंगे, यस, तो वो आप बता सकते हो। जैसे किसी को यदि IVF करना है तो बेसिक एक जो जांच होता है जिसको हम असेसमेंट साइकिल असेसमेंट बोलते हैं, जो जांचें होती हैं, ये जांचें हस्बैंड वाइफ का यहाँ होना बहुत जरूरी है। अब यदि आप नेक्स्ट साइकिल में IVF चाहते हो इसके बाद, तो इस जगह पे आपका एक हिस्ट्रोस्कोपी होना चाहिए। जिस दिन जांच कराने आया आप उस दिन भी हिस्ट्रोस्कोपी करा के 1 या 2 दिन के लिए आप आ सकते हो और वापस जा सकते हो, ऐसी है ना? यस। फिर आपको यदि आप ऐसे सेकेंड डे मान लीजिए आपको आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो सेकेंड डे आप अपने शहर में यदि उसी दिन आपका ब्लड रिपोर्ट हो जाए तो आप इंजेक्शन लेके भी जा सकते हो। पहले मैं ये व्हाट्सएप से भी करता था, पर अब कोशिश करता हूँ कि आप या तो मेरे पास आ जाओ या फिर वहाँ टेस्ट कराए और 7 दिन का इंजेक्शन लगाने के बाद आप मेरे पास आ जाएं। इसके बाद में 4-5 दिन बाद ओवम पिकअप होगा, यदि आप वापस जाना चाहते हो तो 5 दिन बाद आप आ सकते हो 1 दिन के लिए, और यदि फ्रीजिंग हो रही है तो फिर अभी आने की जरूरत ही नहीं है, आप 1.5 महीने बाद आइए। तो
जो बाहर से आते हैं उनको बहुत दिन रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, 4-5 दिन हो सकता रुकना पड़े जब हम सेवेंथ डे से पिकअप तक काम करते हैं। सुनने और जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू विथ दैट इफ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्रिप्शन बढ़ने से बड़ा अच्छा लगता है कि सब जुड़ रहे हैं साथ में। कंटेंट को शेयर करिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए ताकि नए वीडियो का आपको जानकारी मिल सके। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।